अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर वन नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री टॉपिक एलिमेंट्स का पार्ट टू। पार्ट वन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। सो इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्रेंस का मतलब वकू पजीरी के हमारे एलिमेंट्स जो है वो पूरी दुनिया में किस हालत में और कहां कहां पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो है वो दोनों हालत में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में भी, आजादाना तौर पर भी, और आपस में मिलकर मुतहिद होकर भी रहते हैं, इन कंबाइंड फॉर्म में भी रहते हैं। सो वी कैन से दैट एलिमेंट्स naturally occurring elements found in free as well as in combined state, दोनों ही हालतों में पाए जाते हैं। और elements जितने भी हमारे पास naturally occurring elements है पूरी दुनिया में, world में, उनकी जो percentage है, percentage by weight, वजन के लिहाज से जो फीसद है, percentage by weight, वो different है, different regions में different है। जैसे अभी हम इसमें discuss करेंगे three types के environments। First one is very important, that is क्रस्ट, जिसे हम लोग कशरे अर्स का भी नाम देते हैं, जमीन की तह, जमीन की तह। सेकेंड वन इज ओशंस, जिसे हम लोग समंदर का नाम देते हैं। एंड थर्ड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग कुर्राए हवाई का भी नाम देते हैं। सो अर्थ क्रस्ट जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, O2, और ओशन में भी O2, और एटमॉस्फेयर में N2 की हम परसेंटेज देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे सिलिकॉन की, जिसका सैंपल Si, नेक्स्ट विल बी अ हाइड्रोजन, जिसका सैंपल H2, और लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज O2। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, जिसका सैंपल Al, एंड नेक्स्ट वन इज क्लोरीन, जिसका सैंपल Cl2, एंड लास्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शरीफ गैस, नोबल गैस, दैट इज आर्गन। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज 47% होती है, और ओशन में ऑक्सीजन की परसेंटेज 86% होती है, और नाइट्रोजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 78% होती है, और सिलिकॉन की 28% होती है, और हाइड्रोजन की 11%, और ऑक्सीजन की 21% होती है, और एल्यूमिनियम की वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 7.8%, और क्लोरीन की 1.8%, और आर्गन की 0.9% होती है। हम देखें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, ओशन में भी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी, और अर्थ क्रस्ट में सबसे कम परसेंटेज एल्यूमिनियम की, ओशन में सबसे कम परसेंटेज क्लोरीन की, और एटमॉस्फेयर में सबसे कम परसेंटेज आर्गन की होगी इन दी गई गैसेस में। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, ये भी हमारे पास क्या 100% पार्ट होगा, ये भी 100% पार्ट होगा, और ये भी 100% पार्ट होगा, बट आप इन सबको जमा करें 78 + 21 + 0.9, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 99.9%। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बाकी और बहुत ज्यादा गैसेज हैं जिनमें हमारे पास इस तरह के परसेंटेज पाई जाएगी, 0.001, 0.0001, 0.01 जो है वो पाई जाएगी। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एलिमेंट्स की ग्रुप बंदी किस बुनियाद पर, कभी हालत की बुनियाद पर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कभी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और हमें पता है फिजिकल स्टेट की बात करें तो थ्री टाइप्स की स्टेट्स होती है मैटर की। फर्स्ट वन इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, माया और गैस। फर्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सॉलिड। सेकेंड वन इज अ लिक्विड, एंड थर्ड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ गैस। हमारे इर्द गिर्द ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में है, जैसे हमारे पास कॉपर है, आयरन है, जिंक है, ZN जिसे हम नाम देते हैं, एंड गोल्ड AU। और एलिमेंट्स हमारे माया हालत में भी पाए जाते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में सारी की सारी मेटल्स ऑलमोस्ट क्या है, सॉलिड है, ठोस है, एक्सेप्ट वन, दैट इज अ मरकरी, दैट इज अ मरकरी, जिसे हम लोग HG से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रल गायरम का नाम देते हैं। और एक नॉन मेटल है हमारे पास, कौन सी, ब्रोमीन। ये हमारे पास दोनों जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में से किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और गैसेस हमारी तो बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक दैट नाइट्रोजन, जस्ट लाइक दैट ऑक्सीजन, जस्ट लाइक दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड सो ऑन। ये सारी के सारे क्या एलिमेंट्स हैं जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की ग्रुप बनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. तो तीन तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ मेटल, दैट इज अ मेटल. सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स. थर्ड वन इज अ मेटालाइट्स, थर्ड वन इज अ मेटालाइट्स. सो मेटल्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को अपने में से पास होने दे, गुजरने दे या इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हो. तो ऑलमोस्ट 80% बाहर जो है वो पीरियोडिक टेबल का वो सारे का सारा क्या है, मेटल्स का है. जैसे हमारे पास सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, मेटल्स है. अभी नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती है, इलेक्ट्रॉन देती नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन लेती है. सो जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हमारे पास क्लोरीन है एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स है. और मेटालाइट दोनों की प्रॉपर्टी शो करवाएंगे, दो वाला पास मेटल वाली भी और नॉन मेटल वाली भी. जैसे हमारे पास सिलिकॉन है SI, जैसे हमारे पास जर्मेनियम है GE और आर्सेनिक है AS, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, मेटालाइट्स. और इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है एलिमेंट्स का सेकेंड पार्ट, और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक एलिमेंट्स का थर्ड पार्ट क्लास 9 का. सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट.